दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमें बहुत से नायाब कलाकार दिए हैं। उनमें से कुछ कलाकार तो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, और उन प्रसिद्ध कलाकारों में से आज हम एक ऐसे कलाकार यानी अभिनेता की बात करने वाले हैं जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। उसने अपने अभिनय करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अपने दमदार अभिनय से दुनिया भर के बॉलीवुड प्रेमियों का दिल जीता है और उनके बीच अपनी लोकप्रियता कायम किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस अभिनेता के बारे में आपको वो जानकारी दें जिससे आप अनजान हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता जितेंद्र के बारे में। वही जितेंद्र जो अपने शानदार डांस के लिए जाने जाते हैं। गुड लुकिंग और दमदार डांस के चलते उन्हें जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई और अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजाया। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रवि कपूर है। उनके पिता मुंबई में नकली गहनों का व्यापार करते थे, जिसके कारण उनका परिवार मुंबई में रहने लगा और उनका पालन पोषण भी मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गिरगांव मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल से पूरा किया और आगे की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरा किया। उन्होंने वहां से ग्रेजुएशन किया। मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना स्कूल से ही उनके दोस्त थे। दोनों ने साथ में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उनकी पहली फिल्म मिलने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता फिल्मों में गहनों की आपूर्ति करते थे। उस दौरान निर्देशक वी शांताराम से उनकी मुलाकात हुई और वो उनकी खूबसूरती से काफी प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने जितेंद्र को अपने एक फिल्म में अभिनय करने की पेशकश की और वो मान गए। साल 1959 में वो वी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म नवरंग में उन्होंने अभिनय करने का मौका मिला। वो फिल्म उनके अभिनय करियर की पहली फिल्म थी। उसके बाद साल 1964 में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने उसमें अभिनय किया। उसमें वो विजय की भूमिका में दिखाई दिए। साल 1967 में उन्होंने बैक टू बैक दो फिल्मों में अभिनय किया, गुनाहों का देवता, बूंद जो बन गई मोती, लेकिन उनकी वो सारी फिल्में फ्लॉप गई और उन्हें कोई लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। उस वक्त ये बात की जाती थी कि वी शांताराम के हीरो कमर्शियल सिनेमा में ज्यादा सफल नहीं होंगे, लेकिन जितेंद्र ने सभी को गलत साबित करते हुए वो फिल्म साइन की जिस फिल्म को कोई भी हीरो साइन नहीं करना चाहता था। वो हार नहीं माने। उसी साल 1967 में उनके द्वारा साइन की हुई फिल्म पर्स ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। उस फिल्म ने उनकी सफलता की सीढ़ी का काम किया। उस फिल्म के गाने मस्त बहारों का मैं आशिक के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफेद जूते खरीदे थे वो उनके ट्रेडमार्क बन गए। उनके शानदार अभिनय और ज्यादातर डांस करने के स्टाइल को लोगों द्वारा बहुत अप्रिशिएट किया गया और उन्हें जंपिंग जैक नाम की उपाधि भी दी गई, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में ही किया था। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके आगे हमजोली, कारवां और धरती कहे पुकार के जैसे फिल्मों में अभिनय किया और लोगों को मनोरंजित किया। साल 1972 में वो फिल्म भाई हो तो ऐसा में नजर आए। उसमें उन्होंने भारत सिंह की भूमिका निभाई। उस फिल्म को भी लोगों द्वारा बहुत प्यार मिला। साल 1973 में उन्होंने बैक टू बैक तीन फिल्मों में अभिनय किया, जैसे अनोखी अदा, गहरी चाल, जैसे को तैसा। 70-80 के दशक में उन्होंने कई और हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें नागिन, जय विजय, धर्मवीर, कसम खून की, तुम्हारी कसम, कर्मयोगी, आतिश, जानी दुश्मन, द बर्निंग ट्रेन, ज्योति बने ज्वाला, खून और पानी, बदले की आग और अनोखा बंधन जैसी फिल्में शामिल हैं। टी रामा राव, के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए उन्हें अक्सर जयाप्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था, जिसमें संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस चौधरी, मवाली, हिम्मत वाला और तोहफा जैसी फिल्में शामिल हैं। उन सभी फिल्मों को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि आज वो फिल्में देखी जाती हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दीदार ए यार, जिसमें उन्होंने काफी मेहनत किया और काफी पैसे भी लगाए। कहा जाता है कि फिल्म को बनाने में काफी वक्त लगा, जिसके चलते उनको काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के दौरान उन्होंने मौत से बचने का एक खुलासा किया। दरअसल उन्होंने कहा कि 1976 में करवा चौथ के दिन पर उन्हें फ्लाइट से चेन्नई जाना था, लेकिन उनकी उड़ान में देरी हो गई और वो घर वापस चले गए ताकि अपनी पत्नी को चांद देखने और अपना व्रत तोड़ने जैसी जरूरी रस्में पूरा कर सके। उसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया,
इसलिए उन्होंने अपने मेकअप मैन को बुलाया और कहा कि वो घर वापस आ जाए और वो अगले दिन चले जाएंगे। अगली सुबह जब उन्होंने अपने फ्लैट से एयरपोर्ट की तरफ देखा तब उन्हें एक बड़ा सा आग का गोला दिखाई दिया। उसके बाद कुछ घंटों तक उनका फोन बजता ही रहा। लोग पूछते रहे कि क्या हुआ। एक्चुअली जिस फ्लाइट से उन्हें जाना था वो फ्लाइट क्रैश हो गई थी और उनकी पत्नी द्वारा उनको रोका जाना उनके लिए वरदान साबित हुआ। वो क्रैश हुई फ्लाइट इंडियन एक्सप्रेस थी। उन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसा करने वाले कुछ ही अभिनेता हैं। जिस तरह वो सफलता की ऊंचाइयों को छूते गए, उसी तरह वो अलग अलग विवादों से भी घिरते गए। वो बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने शोभा कपूर से शादी किया है। उनकी शादी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी। दरअसल जब उनकी पहली मुलाकात शोभा से हुई तब वो महज 14 साल की थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी कर कॉलेज भी कंप्लीट किया और उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। उस समय जितेंद्र 1960 से 1966 के करीब अपने आप को हिंदी सिनेमा में एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगे थे। तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ था, जो साल 1972 तक चला। 31 अक्टूबर की सुबह को उन्होंने अपने माता पिता को फोन करके ये बताया कि वो और शोभा दोनों शादी करने जा रहे हैं। उनके माता पिता ने उनसे एक हफ्ता रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और एक सामान्य तरीके से दोनों ने शादी कर ली। शादी के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना, गुलजार साहब और संजीव कपूर भी मौजूद थे। कुछ फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ अभिनय करते करते वो उनके प्यार में पड़ गए और दोनों के बीच इतना प्यार बढ़ा कि बात शादी तक पहुंच गई थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में ये खुलासा किया है कि वे और जितेंद्र शादी करने का फैसला ले चुके थे, लेकिन बाद में वो पीछे हट गई। उनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर है, जिनका मुंबई में नकली गहनों का बिजनेस था। उनकी माता का नाम कृष्णा कपूर है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, जिनका नाम तुषार और एकता कपूर है। तुषार अपने ही पिता की तरह फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने भी अपने अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम लक्ष्य कपूर है। आपको बता दें कि वो सिंगल पेरेंट है। उनका बेटा सैरोगेसी के जरिए जन्म लिया है। एकता कपूर टीवी सीरियल और फिल्म निर्माता है, जो बालाजी टेलीफिल्म्स को चलाती हैं। एकता का एक बेटा है जिसका नाम रवि कपूर है, वो भी सिंगल पेरेंट है। उनका बेटा भी सैरोगेसी के जरिए जन्म लिया है। जितेंद्र को फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे साल 1998 में 18वें उजाला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड में उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2002 में उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और 2003 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार उन्हें कई और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार और अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, उन्होंने दर्शकों को रोमांचित करने में कोई भी कमी नहीं की। उन्होंने अपने हर एक फिल्म से दर्शकों को एंटरटेन किया। फिल्म इंडस्ट्री में 60 से लेकर 90 के दशक तक उन्होंने अपना दबदबा बनाकर रखा। अपने अभिनय और डांस से लोगों को प्रभावित करने वाले जितेंद्र आज 80 साल के हो गए हैं। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। उनके चाहने वाले हमेशा उनको याद करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।